अगली खबर में बात करते हैं जबलपुर की, जहां जबलपुर शहर में नवरात्र पर्व पर सड़कों पर उतरी भीड़ के बीच कुछ शरारती तत्वों के खिलाफ पुलिस ने अनूठी कार्यवाही की। महिलाओं और लड़कियों को देखकर पुंगी बजाकर शोर मचाने वाले कुछ मनचलों की पुलिस ने जमकर खबर ली। जो शरारती लड़के पुंगी बजाते हुए हरकतें कर रहे थे, गढ़ा पुलिस ने उन्हें पकड़कर उन्हीं के कान में जमकर पुंगी बजवाई। नवरात्र में अष्टमी एवं नवमी को शहर की सड़कों पर माता रानी के दर्शन करने भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी अपने परिवार के साथ शामिल रहे। इनके बीच कुछ शरारती तत्व आनंद के माहौल में खलल डालने में चूक नहीं रहे थे। लड़कियों और महिलाओं को देखकर पुंगी बजाने का तांडव देखकर पुलिस हरकत में आई। रात में गढ़ा पुलिस क्षेत्र में पॉइंट लगाकर लोगों की सुरक्षा कर रही थी। इसी दौरान कुछ युवक पुंगी बजाते हुए वहां से निकले। गढ़ा टीआई राकेश तिवारी एवं टीम ने उन्हें रोक लिया। बाइक सवार दो युवकों को रोककर पूछताछ की और पुंगी बजाने का कारण पूछा। दोनों कोई जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद उन्हें सबक सिखाने के लिए टीआई ने खुद ही एक युवक के कान में उसी की पुंगी लेकर बजा दी। इसके बाद दूसरे से कहा कि वह भी कान में लगाकर पुंगी बजाए। शरारती युवकों के कान में पुंगी बजाने के बाद पुलिस ने पुंगी तोड़कर उनको वापस कर दी। साथ ही हिदायत भी दी कि दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसके बाद उठक बैठक लगवा कर शरारती युवकों को छोड़ दिया गया। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि शरारती तत्वों को यह एहसास नहीं था कि उनके पुंगी बजाने से महिलाओं, लड़कियों एवं लोगों को कितनी परेशानी हो रही थी। इसी का एहसास दिलाने के लिए उनके कान में पुंगी बजाई गई। इसके बाद समझाइश देकर छोड़ दिया गया। पब्लिक को कैसा लगता है फील? दोनों में बच्चे।